हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर लाइफ साइंसेस। इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। जो हमने जो बाकी सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े उसके कंपैरिजन में है सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल। इसके स्ट्रक्चर से हम देखते हैं, हम इसके बेसिक से पढ़ेंगे। देखिए न्यूक्लियस, अब न्यूक्लियस को कैरियन भी कहते हैं, कैरियन। और इसकी डिस्कवरी 1831 के अंदर जो रॉबर्ट ब्राउन थे, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने 1831 के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। अब न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ी थी। अब इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चार चीजों से बना होता है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, इसमें आप देख सकते हैं जो आउटर आपको दिख रही है इसे कहते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद में न्यूक्लियोप्लाज्मा। अब न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब, अब न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर की जो स्पेस है, हमने सेल पढ़ी थी, सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर का जो स्पेस है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, अब क्रोमैटिन मतलब आपको यो, जो ये बीच में दिख रहा है इसे क्रोमैटिन कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोलस, जो आपको रेड कलर का जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इसे, इसके स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में कुछ बता दूं। अब न्यूक्लियस जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, आप देखिए एक सेल, सेल एक सेल, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, वहां पर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए एक न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस कहां पर प्रेजेंट होता है, जो सेल है उसके सेंटर में, मतलब जनरली आप देखते होंगे तो न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है। जो सेंटर के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसे सेंट्रिक न्यूक्लियस कहते हैं, सेंट्रिक न्यूक्लियस। अब आप कहोगे कि सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है क्या ये, तो ऐसा नहीं है। कुछ सेल्स के अंदर ये न्यूक्लियस सेंटर से फार अवे, मतलब यहां पर प्रेजेंट हो सकता है, किसी में यहां, यहां कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है कुछ केसेस में, तो उसे हम असेंट्रिक न्यूक्लियस कहेंगे। और न्यूक्लियस सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है क्या, ऐसा भी नहीं है। जो आरबीसी, आरबीसी रेड ब्लड सेल, ये इसका एक्सेप्शन है। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसी वजह से वो जल्दी डिस्टर्ब होती है। डेथ जिस सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, जैसे कि आरबीसी की डेथ, ठीक है। और एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आप में सवाल होगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। सेल्स देखिए आप, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, ये कुछ बोन्स की सेल्स होती है। ऑस्टियोक्लास्ट जो बोन्स के गैप होती है वो भरने के लिए ये सेल्स होती है वहां पर। अब इन सेल्स में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होती है। मान लीजिए ऑस्टियोक्लास्ट की सेल है, इसके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी इसका एक एक्सेप्शन है। हम बायोलॉजी पढ़ रहे, एक्सेप्शन होंगे, याद रखिए। आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और ऑस्टियोक्लास्ट में एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते। अब मैंने पढ़ा है आपको, ये देखिए स्ट्रक्चर इसका, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। अब देखिए स्ट्रक्चर के अंदर आपको यहां पर गैप दिख रहा होगा, ये कुछ गैप, तो इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, इस गैप को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। इसके ऊपर की जो मेम्ब्रेन है, सेम हमने जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था कि कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे बाहर से, जो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो इस मेम्ब्रेन में एंटर कर सकती है, परमिएबल मेम्ब्रेन है। पैसिवली वो मॉलिक्यूल्स होंगे जो भी बाहर से जो आएंगे साइटोप्लाज्म से, वो इसमें एंटर कर सकते हैं। और जो बीच की जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की, इनर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस की, तो इस मेम्ब्रेन में कुछ बैरियर्स होंगे, वो चैनल्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वो पर्टिकुलरली उसी प्रोटीन्स और जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें एंट्री देंगे, जिनकी साइज नियर अबाउट 1000 किलो डाल्टन से कम या ज्यादा होगी, ठीक है। और
जो मेम्ब्रेन है उसके बारे में तो हमने देखा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म, अब ये न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, सेल के बारे में हमने पढ़ा था। ये देखिए एक सेल, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड होता है सेल के अंदर, उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को क्या कहेंगे हम, न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये आपको जो बीच में स्पेस दिख रही है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स आप यहां पर देख रहे हैं ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिन जो कि जेनेटिक मटेरियल कैरी करती है। ठीक है, तो एक क्रोमेटिन फाइबर न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यहां पर जो आपको स्पोर्स दिख रही है इसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो जो दो मेम्ब्रेन से इसके अंदर की जो स्पेस है इसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और ये बीच में जो है उसे क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर्स, और एक सिंगल को क्रोमेटिन कहते हैं। इसके बाद में देखिए आप क्रोमेटिन, अब एक क्रोमेटिन कैसे बना होता है, क्रोमेटिन का कंपोजिशन होता है जो कि डीएनए से बना होता है और हिस्टोन प्रोटीन से। अब क्रोमेटिन कैसे बनेगा, देखिए आप क्रोमेटिन का कंपोजिशन यहां करता हूं, डीएनए जो कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है और हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों से मिलकर क्रोमेटिन बना होता है, जो कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए वो हेरिडिटी प्रोवाइड करवाता है। अपन न्यूक्लियस का फंक्शन भी है कि ये हेरिडिटी कंट्रोल करता है। हेरिडिटी मतलब जो एक पेरेंट, मान लीजिए एक पेरेंट है, अब इस पेरेंट का जब मेटिंग होगा तो जो प्रोजीनिस बनेंगे, मेटिंग होने के बाद जो प्रोजीनिस बनेंगे उसमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पर डीएनए जाएगा, जो पेरेंट्स का डीएनए है वो उसके प्रोजीनिस में जाएगा। यही हेरिडिटरी फंक्शन है वो न्यूक्लियस करता है। देखिए आप हिस्टोन प्रोटीन सब, अब हिस्टोन प्रोटीन क्या है, जो भी H2A, H2B, H3 और H4, ये जो प्रोटीन है, चार प्रोटीन है, इनके दो दो पेयर में प्रेजेंट होता है और ये बनकर हिस्टोन ऑक्टेमर बनता है। इस तरीके को स्ट्रक्चर बनता है, इसमें हर एक प्रोटीन एक पेयर में प्रेजेंट होता है, दो दो पेयर में एक, ये की है हिस्टोन ऑक्टेमर। इसके बारे में भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद में न्यूक्लियोलस, अब न्यूक्लियोलस इस न्यूक्लियस के अंदर का सबसे लार्जेस्ट है। अब सेल्स जो हमने पढ़ी थी, पूरे सेल्स, सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गन है। अब न्यूक्लियस के अंदर सबसे लार्जेस्ट कौन है, तो ये न्यूक्लियोलस जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे लार्जेस्ट है। और ये जो क्या करता है, सबसे मतलब इससे पहली बात तो इसे मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती यहां पर, और ये सेपरेट करता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब ये यहां से ही क्या होता है, यहां से राइबोसोम जनरेट होते हैं, जो राइबोसोम का सिंथेसिस जो है वो यही से होता है, राइबोसोम का सिंथेसिस, यही से राइबोसोम सिंथेसिस होंगे, ठीक है। और राइबोसोम्स क्या है आप पूछोगे, राइबोसोम से प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन मशीनरी जो प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती है। अब यहां से राइबोसोम्स अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा, जो यहां पर जो स्ट्रक्चर आता है जो न्यूक्लियर पोर्स है, अब न्यूक्लियस पोर्स ही मान लीजिए कि न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, अब यहां पर जो न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है वही से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरेट होती है, यही से स्टार्ट होता है। हमने ईआर जब पढ़ा था तभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। और जो राइबोसोम्स यहां से जो सिंथेसिस होगा राइबोसोम्स का, और आरआरएनए का भी सिंथेसिस करता है, तो यहां पर अगर जो सिंथेसिस हो गया राइबोसोम्स का तो ये आउटर मेम्ब्रेन में यहां पर प्रेजेंट होगी। अब आउटर मेम्ब्रेन में जो ईआर है, ईआर राइबोसोम अटैच ईआर होगी, उसे हम आरईआर कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इस पर ही राइबोसोम्स अटैच हुए होते हैं, ठीक है। तो हमने न्यूक्लियोलस के बारे में भी देख लिया, अब इसके फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं। इसके फंक्शंस क्या है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था इसका फंक्शन, यहां पर मैं फंक्शंस लिखता हूं। देखिए ये क्या करता है, सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म, अब मेटाबॉलिज्म करता है तो इसके अंदर तो एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, राइट, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोसोम्स की एक्टिविटी, जो राइबोसोम्स का सिंथेसिस भी करता है, और जो आरआरएनए है इसका सिंथेसिस करने का काम भी न्यूक्लियस करता है, और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है
वो करने के लिए कुछ एंजाइम्स की इसे जरूरत होती है, उनके बेसिस पर ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है। और राइबोसोम्स जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए के फॉर्म में होता है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए के फॉर्म में, और ये हेरिडिटी कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स हेरिडिटी। अब हेरिडिटी मैंने आपको बताया कि एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट्स में जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो ऑफ स्प्रिंग और पेरेंट्स के जो मिलते जुलते कैरेक्टर्स है वो इसी से कंट्रोल होते हैं, जो कि डीएनए ट्रांसफर होते हैं जो जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद में फोर्थ नंबर का ये क्या करता है, ये स्पेसिफिकली जो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन भी वो सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब सिलेक्टिवली ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पैसिवली किसी भी मॉलिक्यूल्स को एंट्री देगी। मतलब जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ा था कि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो 10,000 डाल्टन से नीचे कुछ मॉलिक्यूल होगा तो उसे एंट्री दे देगी, वो यहां पर एंटर कर देगा। मतलब देखिए ये न्यूक्लियर की डबल मेम्ब्रेन, अब डबल मेम्ब्रेन है तो यहां से कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, ये मॉलिक्यूल देखिए इसे अगर अंदर आना है तो ये डायरेक्ट यहां से लगता है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है यहां पर कुछ स्पेसिफिक चैनल्स के फॉर्म में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ चैनल्स होंगे, ये इसे अगर बीच में और जाना है तो ये इसे स्टॉप कर देंगे, नहीं नहीं जा सकता तू यहां, तो यहां पर बैरियर्स होते हैं वो उसके पर्टिकुलर साइज के हिसाब से उसे एंट्री देंगे और जिसकी जरूरत है उसे ही एंट्री देंगे। ठीक है, तो हमने इसके फंक्शंस भी पढ़ लिए। देखिए आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि आप देख सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोसिस, इन चीजों से न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनता है, और जो क्रोमेटिन फाइबर से वो भी यहां पर प्रेजेंट है। अब यही से जो राइबोसोम का सिंथेसिस कैसे होता है, राइबोसोम्स और पर्टिकुलरली आरआरएनए, आरआरएनए का मतलब जो राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए है, जो राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड आरआरएनए, और इसके अंदर तो सिर्फ इसका ही सिंथेसिस होता है और इसके कुछ अलग भी टाइप्स है। देखिए एमआरएनए जो मैसेंजर आरएनए होता है, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस के अंदर आप ध्यान में रखिए कि आरआरएनए इसके ही सिंथेसिस से करता है, आर मतलब राइबोसोमल, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, इसका ही सिंथेसिस इसके अंदर होता है। न्यूक्लियस जो सेल ऑर्गेनेल है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है, उसके बारे में समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के पहले हमने सेल बायोलॉजी जो प्लेलिस्ट बनाई है उसके अंदर हर एक ऑर्गेनेल को डिटेल में पढ़ा है, उस प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिस्ट।